विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज लखनऊ के चौक और हुसैनाबाद क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौक क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ब्रजलाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं हुसैनाबाद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने जनता को योजना के बारे में जागरूक किया और कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और पीएम मोदी का संकल्प यात्रा की 100% गारंटी है। वहीं दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जन जन तक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पहुंचाई जा रही है। देखिए, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके तहत पूरे भारत के हर गांव में, हर कस्बे में, हर वार्ड में जनता के बीच में जाके जो हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है इसका सीधा लाभ हमारी सम्मानित जनता को मिले और जो मोदी की गारंटी है विकास की, भाईचारे की, उन्नति की, तरक्की की, ये गारंटी जन जन तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और हमें कह सकते हैं कि आज मोदी की गारंटी पे जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। हमको उज्ज्वला गैस मिली है, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, फायदा हो रहा है। जिसको जानकारी नहीं होती उसको हम लोग दे भी देते हैं, समझा भी देते हैं, हम आशा भी हो गई है। कई लाभ मिले हमें, जैसे कि जो है राशन मिलता है और विश्वकर्मा, उसमें हमने फॉर्म भरा है, अभी हमारा वो नहीं हुआ है, और गैस सिलेंडर मिला है।